Honda Accord 2008 इसका थ्रोटल बॉडी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक है, आरपीएम नहीं ले रहा है। यूज वन लगाया लेकिन फिर भी सेम है। अब इसको देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। बिल्कुल एक्सेलेटर फुल दबाओ, बिल्कुल फुल प्रेस किया एक्सेलेटर को, 2000 के ऊपर आरपीएम नहीं जाता है। अब इसको डायग्नोस करेंगे, देखेंगे कौन सा कोड इसमें आ रहा है और शेयर करेंगे। ओनली 2000 आरपीएम है। अब एलांस इसको डायग्नोस करेंगे, देखेंगे कौन सा कोड है। TGM इंजन में जाओ, कारण DTC क्या है, टेक मॉड्यूल कम्युनिकेशन। अभी देखेंगे कि ये क्या प्रॉब्लम है। U0107 स्विच ऑफ करो, कोड को इरेज करो। ट्रिक मॉड्यूल कम्युनिकेशन इसका RPM के साथ क्या ताल्लुक है। ओके, इसको चेक देखते हैं। रीड कोड। YTAC मॉड्यूल कम्युनिकेशन लैपटॉप में इसको चेक करेंगे कि ये क्या भला है। U0107 इस वजह से आए, थ्रोटल काम नहीं कर रहा है। तो देखते हैं। तो दोस्तों U0107 इसका मतलब है थ्रोटल एक्चुएटर कंट्रोल मॉड्यूल, थ्रोटल एक्चुएटर कंट्रोल मॉड्यूल का जो कम्युनिकेशन है ये इसी MPCM है, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल है। इससे किन हाई किन लो के जरिए ये कनेक्ट है थ्रोटल एक्चुएटर कंट्रोल मॉड्यूल के साथ। तो ये जो है ये सीरियल सिग्नल नहीं बनाता है और ये इसी MPCM के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो अभी हम इसको चेक करेंगे, इसका लोकेशन देखेंगे कि कहाँ के ऊपर इसका लोकेशन है। थ्रोटल एक्चुएटर कंट्रोल मॉड्यूल थ्रोटल बॉडी के लिए अलग कंप्यूटर लगा हुआ है इस गाड़ियों में, किसी गाड़ियों में नहीं है, कि सिर्फ होंडा में इसके लिए अलग कंप्यूटर लगा हुआ है। तो ये जो अभी इसका लोकेशन हम देखेंगे, ये जो है ये थ्रोटल टेक कंट्रोल मॉड्यूल या थ्रोटल एक्चुएटर कंट्रोल मॉड्यूल, तो इसका इस ये दो वायर का कनेक्शन आपस में नहीं है। तो रेस भी नहीं ले रहा है क्योंकि थ्रोटल को सिग्नल नहीं जा रहा है, इस MPCM से सिग्नल जा रहा है लेकिन ये इस कंट्रोल मॉड्यूल से, थ्रोटल एक्चुएटर कंट्रोल मॉड्यूल से सिग्नल नहीं जा रहा है। तो अभी हम इसका लोकेशन सबसे पहले देखते हैं लोकेशन कहाँ है। तो आइए अभी आते हैं लोकेशन की जानेब। तो यहाँ के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल कंट्रोल मॉड्यूल, ओके, इसको ओके करते हैं। तो अभी ये लोकेशन है, इसके जो लोकेशन है ब्लोअर फैन पैसेंजर साइड में जो ब्लोअर फैन है वहाँ के ऊपर इसका लोकेशन है। ये इसका कनेक्टर है। या तो इसके वायरों में प्रॉब्लम है या रिले कुछ में मसला है। अभी देखते हैं, इसका रिले भी देखते हैं, बाद में इसको आराम से डायग्नोस करते हैं। तो अभी ये इसका रिले है, रिले भी उधर ही लगा हुआ है, थ्रोटल एक्चुएटर कंट्रोल मॉड्यूल। देखो यहाँ के ऊपर इसका रिले भी लगा है,
यही ब्लोअर फैन के साथ। तो अभी इसको पूरा हम लोग चेक करेंगे। ये SRS यूनिट है, ये इसी MPCM है, ये जो है रिले है, ये दो, ये एक जो है सीट हीटर रिले है और एक थ्रोटल एक्चुएटर कंट्रोल रिले है। तो सबसे पहले हम इस रिले को चेंज करेंगे, देखेंगे कि इसके अंदर तो मसला नहीं है। इसके अंदर भी मसला आता है तो फिर भी यही मसला होता है। तो अभी हम खोलते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। इसके जो फर्स्ट रिले है ये थ्रोटल का, सेकंड रिले है ये सीट हीटर के लिए यूज़ होता है। फर्स्ट रिले हम लोग देखते हैं और इसके अंदर इलेक्ट्रिक चेक करते हैं। तो दोस्तों मैंने इसको खोल दिया ग्लो बॉक्स को। यहाँ के ऊपर 1, 2, 3 रिले शो हो रहा है। हमारे साथ जो डायग्राम है उसमें दो है, एक हीटर का और एक थ्रोटल का। हम इस आउटसाइड जो दोनों हैं इस रिले को चेंज करते हैं और रिज़ल्ट देखते हैं कि क्या इसका रिज़ल्ट है। उसके बाद इसका कंप्यूटर, जो थ्रोटल बॉडी का कंप्यूटर है, उसका लोकेशन भी बताते हैं। टेक कंट्रोल मॉड्यूल, ये ब्लोअर फैन है, लाइट, उसको लाइट ऑन करते हैं। ये तो ये इसका ट्रैक कंट्रोल मॉड्यूल है, बॉडी के साथ लगा है। ये फैन है, फैन, और ये इसका ट्रैक कंट्रोल मॉड्यूल है, थ्रोटल कंट्रोल मॉड्यूल। अलग से कंप्यूटर आता है इसका। ये इसका कनेक्टर है और ये रिले है। तो सबसे आसान काम किया है, हम इसका रिले चेंज करते हैं। अगर गाड़ी सही हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर इसका पूरा ऑपरेशन करेंगे, चेक करेंगे इसको, मॉड्यूल को, डाटा लाइन इसके चेक करेंगे कौन से डाटा लाइन के वायर है इसमें। तो सबसे पहले अब हम रिले को खोलेंगे और देखते हैं कि रिले के अंदर कोई मसला तो नहीं है। तो ये एक रिले हो गया। इसका बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये किस चीज़ का है, तो इसको भी चेंज करते हैं, दोनों को चेंज करते हैं। तो इसने कौन सा गुनाह किया है, इसको भी चेंज करते हैं, इसको भी चेंज करते हैं, देखते हैं। तो इसको भी, तीनों को, रिले को हम चेंज करेंगे और देखेंगे कि क्या मसला है। तो दोस्तों इसको रिले भी मैंने चेंज किया तीनों, ये तीनों रिले, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये इसका कंप्यूटर है थ्रोटल बॉडी का, इसमें मसला है। इसका पावर ग्राउंड भी सही है, इसका ये पिन 1 है, ये यहाँ से काउंट होता है। ये थ्रोटल मोटर का है और ये आखिर वाला पिन नंबर 8, ये दोनों थ्रोटल मोटर का है। और इसका जो 7 नंबर है ब्लैक, ये ग्राउंड है। ये पूरा मैंने चेक किया, सब सही है। और इसका जो नंबर 2 है ये इग्निशियम वोल्टेज का है। ये जब थ्रोटल रिले ऑन होता है तो इसमें इग्निशन वोल्टेज आता है। तो इसका डाटा लाइन वायरिंग भी चेक किया, बिल्कुल सही है। तो 100% इस ECU में प्रॉब्लम है इसमें। अभी इसको चेंज करके देखेंगे। ये अलग से इसका कंप्यूटर है, यहाँ इसका लोकेशन है ऊपर ब्लोअर फैन के साथ। तो अभी इसमें मसला है, इसको चेंज करने से पहले हम इसको कोशिश करेगा हीट गन से, थोड़ा हीट गन से चेक करेगा, अंदर रिपेयर होता है तो ठीक है, नहीं तो इसको चेंज करना चाहिए। तो दोस्तों ये इसका वायरिंग डायग्राम है, ये ट्रैक मोटर का है,
ये टेक मोटर है, थ्रोटल बॉडी का जो ECM है उसका है, और ये इंजन कंट्रोल मॉड्यूल है। तो ये इसका जो 7 है ये ग्राउंड है, ये 2 नंबर जो है इग्निशन स्विच का हो गया जो थ्रोटल रिले से आता है, ये तो ये थ्रोटल एक्चुएटर रिले है, कंट्रोल मॉड्यूल रिले है, इसको मैंने चेंज किया, इसमें भी करंट आ रहा है। तो इसका फॉल्ट तो मैंने पकड़ लिया अभी, इसको मैंने हीट गन से हीट किया लेकिन कोई रिजल्ट फ़ायदा नहीं आया। फिर बाद में जब मैंने ये जो कनेक्टर है इसको खोला, ये ECM का कनेक्टर, ये कहाँ पे गया है, ये 14 नंबर वायर इसका 20 नंबर बी कनेक्टर में गया है, ये बी है, ये देखो ये बी कनेक्टर है ये, तो इसमें गया है। ये भी 20 एंड बी 19, ये सीरियल डाटा के थ्रू इस इंजन कंप्यूटर के साथ मिला हुआ है। तो हमने इसका ये कनेक्टर खोला, इस कनेक्टर में राष्ट्रीय था, राष्ट्रीय AC का पानी उसमें गया था, तो ये B20 में जंग पकड़ा हुआ था, इसमें सही इलेक्ट्रिक पास नहीं हो रहा था, तो इसी में मसला था। तो मैंने उसको साफ कर दिया, अभी गाड़ी बिल्कुल बम्बाट है, सही हो गया। अभी आप लोगों के साथ इंजन कंप्यूटर का जो वायरिंग है वो शेयर करते हैं। तो इस कंप्यूटर में तो पावर ग्राउंड सब सही आ रहा था, ये थ्रोटल रिले भी काम कर रहा था, लेकिन ये फिर ऑफ होता था स्विच ऑन करने के बाद, 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए ऑन होता था फिर ऑफ होता था। अभी ऑफ नहीं हो रहा है, तो मसला इसी में नहीं था, मैंने पहले बोला इसी में मसला हो सकता है, क्यों इसमें पावर ग्राउंड सब आ रहा था, तो मसला इधर निकला। ये इंजन ECM है, इसमें टोटल 5 कनेक्टर है, ये कनेक्टर A है, ये कनेक्टर B है, ये C है, ये D है, और लास्ट वाला जो है E है। तो डायग्राम के हिसाब से ये जो कनेक्टर है B, इसमें 19 नंबर वायर जो है वो 20 नंबर वायर 14 नंबर इस पिन में गया हुआ है, इसमें 14 नंबर पिन में ये 1 2, ये 7 8, ये 8 हो गया, 9 10 11 12 13, तो ये जो 14 है ये वाला, ये 14 ये कलर का, ये सीरियल डाटा का है, ये दोनों ECU आपस में कम्युनिकेशन शेयर करते हैं। तो यहाँ के ऊपर AC का पानी गया हुआ था, ये कनेक्टर में AC का पानी गया था, B कनेक्टर है, ये पहला वाला A है, इधर से A चालू होता है, फिर यहाँ B C D E, ये हिसाब से ये काउंट होता है, फिर ये बी कनेक्टर में 20 नंबर वायर, उसमें AC का पानी गया था, ये AC का बॉक्स है, ये पानी पकड़ते हैं, इसमें थोड़ा पानी गया था, तो अभी गाड़ी बिल्कुल सही है, अभी आपको दिखाते हैं। तो इसको अगर यही मसला है और ऐसा कोड आ रहा है, तो सबसे पहले इसका ये थ्रोटल रिले चेक करना चाहिए यहाँ के ऊपर, इसमें ज़्यादा मसला आता है। उसके बाद ये ग्राउंड 7 नंबर, ये ग्राउंड अगर ये भी सही है तो ये कनेक्टर ABC खोल के इसमें पानी जाता है, यही मसला होता है इसका। वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक यू। अरे पकड़ो, ये तो अभी तक पूरा खुला हुआ है, ये थ्रोटल है, तो सब लगा दिया, रेस मारो। कितना RPM आता है अभी?
अभी सही है, बिल्कुल सही है। ओके।